हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच एक के एडवर्टाइजमेंट शेयर करने जा रहा हूं जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइज किया गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो फिशरी डेवलपमेंट ऑफिशियल एंड एलाइड कैडर के पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया गया है, जो फिशरी डिपार्टमेंट, जो असम गवर्नमेंट का जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया है। इस आप यह देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो किया गया है जारी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका फिशरी डेवलपमेंट ऑफिशियल एंड एलाइड के जो फिशरी डिपार्टमेंट को, उसके लिए टोटल 32 पोस्ट का वैकेंसी जारी किया गया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं आगे की जो डिफरेंट कैटेगरी में जो सीट का जो बाइफरकेशन या कैटेगराइजेशन किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर है उसमें जो ओपन कैटेगरी के लिए टोटल जो सीट्स हैं 13 हैं, आपका ओबीसी के लिए 9 हैं और एससी के लिए 2, एसटी जो है आपका, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 32, उनका ये बाइफरकेशन किया गया है कैटेगरी वाइज। तो आप इस यहाँ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हैं। और आप आगे देख सकते हैं कि जो ये पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है इसमें पे स्केल, ग्रेड पे और कितना अलाउंसेस, क्या जो कैंडिडेट्स पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनका पेमेंट, टोटल सैलरी या पेमेंट क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो स्केल ऑफ पे है, तो पे स्केल जो है आपका इस पोस्ट के लिए जो फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए है वो 30,000 to 1,10,000 है, ग्रेड पे जो है 12,700 है और पे बैंड जो है PB4 का के लिए ये वैकेंसी है। और जो इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो जो है अब यहाँ देख सकते हैं कि बैचलर इन फिशरी साइंस डिग्री फ्रॉम एनी कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई ICAR के द्वारा, मतलब ICAR के द्वारा कोई भी कॉलेज, किसी भी कॉलेज से कोई भी कैंडिडेट्स अगर बैचलर डिग्री फिशरी साइंस में लिया है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन फिशरी साइंस अगर लिए हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ फिशरी साइंस अगर किसी ने सीफे मुंबई या किसी ICAR इंस्टीट्यूशन से अगर उससे इस सब्जेक्ट में अगर डिग्री लिया है तो ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और आगे आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया लगाया गया है कि इस पोस्ट को वही कैंडिडेट भर सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखते हैं कि इसके लिए, इस पोस्ट के लिए केवल असम, जो जिनका असम में परमानेंट रेसिडेंस है वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि यह देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ असम। तो असम का पार्ट जो भी कैंडिडेट्स से जो भी एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं या जा रहे हैं उनका रेसिडेंस, मतलब कि डोमिसाइल जो है आपका असम का होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है। और साथ ही साथ आगे आप देख सकते हैं कि जो एज का जो रिस्ट्रिक्शन रखा, जो एज जो रखा गया है वो जो मिनिमम 21 ईयर है, आपका मैक्सिमम 38 ईयर है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर किन्हीं के साथ अगर आप कैटेगरी का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसमें एज का रिलैक्सेशन दिया गया है सभी कैटेगरी के लिए, कि SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, मैक्सिमम 40 ईयर। तो ये जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो भी जिस भी कास्ट या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनके उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ असम उसके अकॉर्डिंगली है। और जो कैंडिडेट्स जो उनका जो एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एज लिमिट जो होगा उसका कैलकुलेशन आपके मैट्रिकुलेशन या HS LC एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंगली ही आपका काउंट किया जाएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो एज का जो काउंटिंग होगा। और ये पोस्ट जो है इसका जो है ये पोस्ट का डेट जो फिलअप करने के लिए, इस पोस्ट के लिए जो फिलअप स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन अप्लीकेशन के लिए वो 28 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट जो ये क्लोजिंग डेट जो है आपका 22 सितंबर रखा गया है। दैट मीन्स 1 मंथ का आपके पास टाइम है। तो आप इस फॉर्म जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो फिशरी डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए है तो इस ड्यूरेशन में आप लगभग 1 महीने जो 22 अगस्त से 22 सितंबर तक रखे है इसके बीच आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो अप्लीकेशन फीस हैं जो
आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं, तो यहाँ एक उसके अकॉर्डिंगली हैं, तो अब वो एप्लीकेशन फ़ी पेड कर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसका जो जो आप यहाँ आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो 22 सितंबर है, बट जो ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए फ़ी सबमिशन का जो है वो 24 सितंबर 2022 रखा गया है। मतलब आपका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट 22 सितंबर है उसके 2 दिन बाद तक आप इस पोस्ट जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकें, तो पर पेमेंट उनका नहीं हुआ है तो वो 2 दिन बाद तक भी 24 सितंबर तक कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस है, कितने कितने साइज़ का आपका जो भी फ़ोटो चाहे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका क्या साइज यहाँ दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं वो देख के भर सकते हैं। बट यहाँ एक है कि ये एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा और क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है, तो इस जो जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस अभी नहीं दिया गया है, ये बाद में आपको बताया जाएगा या बाद में नोटिफाई किया जाएगा आपका। तो जो यहाँ देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन फॉलोड बाई शिंक ओरिजेंडम या एडेंडम, मतलब जो ऑफिस ऑर्डर जो होता है चाहे बाद में असम पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको नोटिफाइड किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मतलब आप असम पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, ताकि इससे इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स से असम पब्लिक कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो आप उससे उसके साथ जुटे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं या जो भी है आपको प्राप्त मिल सकता है। तो आप यहाँ देख आपको यहाँ मैंने बताया कि ये जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये जो फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर एलाइड जो कहने फिशरी डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है 32 नंबर पोस्ट है, इसके लिए आप जो भी कैंडिडेट्स अगर इस पोस्ट के लिए जो इनका डिग्री फिशरीज में है, मतलब जो जो आपका बैचलर डिग्री या मास्टर जो फिशरीज में मास्टर साइंस मास्टर ऑफ साइंस एमएससी डिग्री फिशरीज में किया है, तो जल्द से जल्द जो ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो 32 पोस्ट के लिए पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, जल्द से जल्द जाके फिलअप करके, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है आपका 22 सितंबर ही है, तो आप इस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म जाके भर सकते हैं। और अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 2870-9298, या हमारे जो यूट्यूब चैनल चैनल है पवनजीत के नाम से, उस पर आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे। थैंक यू।